9 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। इस सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। एक तरफ देश जहां पूरे जोर शोर से सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से हंगामा मच गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक चांदी की प्लेट की फोटो शेयर की, जिसमें बीचों बीच राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का स्तंभ बना हुआ दिख रहा है। पोस्ट में स्वामी प्रसाद ने लिखा, जिस थाली में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरा गया है, उसी में दुनिया भर के आए हुए G20 मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, जिसमें वो जूठन छोड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके मोदी सरकार ने देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए एवं अशोक स्तंभ युक्त थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर G20 के मेहमानों की तथा कथित खाने की थाली में राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान का आरोप लगाया। मेहमानों को वो सोने की थाली में खिलाएं, चांदी की थाली में खिलाएं, या इससे भी कोई कीमती धातु उसमें खिलाएं, कोई था। लेकिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के आन बान शान और गौरव का प्रतीक अशोक की लाठ उकेरी गई थाली में विदेशियों को खाना खिलाएंगे और उसी अशोक की लाट वाली थाली में विदेशियों के खाने का जूठन गिरेगा। मोदी सरकार भले झूठी बाबा ही लूटना चाहे, लेकिन ये राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के गौरव का अपमान है, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। मोदी सरकार को अशोक की लाठियों की थाली में खाना खिलाने से बाज आना चाहिए, और साथ ही साथ जो उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतीक अशोक की लाट का अपमान किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से देश की जनता से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों की खातिरदारी के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। मेहमानों की मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। भारत मंडपम में G20 के थीम सॉन्ग वसुधैव कुटुम्बकम पर संगीत का खास इंतजाम है। साथ ही मेन्यू में देश के अलग अलग व्यंजनों को शामिल किया गया है, जिन्हें चांदी से बने हुए खास बर्तनों में परोसा जाएगा। बता दें कि G20 समिट के लिए जयपुर की कंपनी आयरिस से चांदी के बर्तन तैयार करवाए गए हैं। बताया गया कि खाने के जरिए विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति की विरासत से रूबरू होंगे। वहीं अब G20 समिट में आए दुनिया भर के मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बनाए गए बर्तन पर विवाद छिड़ गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।